नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मधु राठी फ्रॉम विभूति वास्तु। दोस्तों, हमने अपने लास्ट कुछ वीडियोस में जाना था वास्तु किसे कहते हैं और ये हमारी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट डालता है। आज हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी किसे कहते हैं और ये हमारी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट डालता है और न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम अपनी लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकते हैं। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी भी एक साइंस है, जस्ट लाइक एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री एंड टेरो कार्ड रीडिंग। न्यूमरोलॉजी एक लॉजिक बेस्ड साइंस है। न्यूमरो मीन्स नंबर्स, लॉजी मीन्स लॉजिक। न्यूमरोलॉजी एक लॉजिक बेस्ड साइंस है जो नंबर्स के थ्रू हमें हमारे लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताता है। न्यूमरोलॉजी में जो नंबर्स काउंट होते हैं वो काउंट होते हैं 1 to 9। ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले इनमें नंबर इंक्लूड होता है हमारा डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद हमारा नाम नंबर, हमारा व्हीकल नंबर, हमारा बैंक अकाउंट नंबर, हमारा हाउस नंबर। इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स जो हमारे जीवन में जुड़े हुए हैं। न्यूमरोलॉजी में जो ये 1 to 9 नंबर्स होते हैं, ये 9 जो हमारे ग्रह होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नंबर 1 ये रिप्रेजेंट करता है ग्रह सूर्य को, नंबर 2 ये रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को, मून को, नंबर 3 ये रिप्रेजेंट करता है ग्रह बृहस्पति को, नंबर 4 ये रिप्रेजेंट करता है ग्रह राहु को, नंबर 5 ये रिप्रेजेंट करता है मरकरी यानी कि ग्रह बुध को, नंबर 6 ये रिप्रेजेंट करता है ग्रह वीनस यानी कि शुक्र को, नंबर 7 ये रिप्रेजेंट करता है केतु को, नंबर 8 ये रिप्रेजेंट करता है ग्रह सैटर्न यानी कि शनि को, नंबर 9 ये रिप्रेजेंट करता है मार्स यानी कि मंगल को। इस तरीके से ये 9 नंबर तक का ही कैलकुलेशन न्यूमरोलॉजी में होता है, 1 to 9, और ये 9 नंबर 9 ग्रह को इस तरीके से सीरियल बाई रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमरोलॉजी हमें कभी भी फ्यूचर प्रेडिक्शंस के बारे में नहीं बताते हैं, बल्कि ये हमें हमारे डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बेसिस पे हमें हमारी पर्सनालिटी, हमारा गोल, हमारा लाइन ऑफ वर्क, हमें किस दिशा में काम करना चाहिए, मीन्स हमें कौन सी लाइन चूज करनी चाहिए, अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो किस टाइप का बिजनेस करना चाहिए, अगर हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है तो हमारा फ्यूचर किस एग्जाम की ओर बनेगा, किस फील्ड में बनेगा, कौन सा फील्ड हमें चूज करना चाहिए, ये बताते हैं। हमारा लकी कलर बताते हैं, हमारा लकी नंबर्स बताते हैं। न्यूमरोलॉजी हमें इस तरीके से इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं जिससे कि हम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जान पाते हैं। और जब हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जान जाते हैं, मान लीजिए हमें इन नंबर्स के थ्रू अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है, तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा फोकस हो जाते हैं, हमें क्लैरिटी हो जाती है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और उस हिसाब से हम अपने स्ट्रेंथ को अपने लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट करते हैं और हमें सक्सेस भी मिलती है, ग्रोथ भी मिलती है। उसी तरीके से न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम अपनी वीकनेस को जान जाते हैं कि हमारे ड्रॉबैक्स क्या है, हमारे वीकनेस क्या है, और हम क्या करते हैं, फिर हम उन वीकनेस पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे उन वीकनेस को दूर करने में, उन वीकनेस को मिनिमाइज करने में हम उस पे ओवरकम पाने की कोशिश करते हैं। ये सब संभव होता है न्यूमरोलॉजी के थ्रू ही। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे आप मान के चलिए एक बिजनेस कोई कर रहा है, वो बिजनेस उसने खोल लिया है, या कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है कोई एक बच्चा, तो वो उसमें इन्वॉल्व हो गया है, बट वो बिजनेस करता है उसमें उसका मन नहीं लग रहा, वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, पढ़ने बैठ रहा है, बट उसमें उसका मन नहीं लग रहा है, उसके दिमाग में सब पढ़ाई की बातें घुसती नहीं है, बिजनेस में उसका वहाँ पे मन नहीं लगने की वजह से उसे उस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। न्यूमरोलॉजी क्या करता है, इसमें आपकी न्यूमरोलॉजी के थ्रू हेल्प होती कैसे है? न्यूमरोलॉजी आपको आपके नंबर्स के हिसाब से आपको वो बेस्ट फील्ड बताता है जो आपके लिए सुटेबल है। न्यूमरोलॉजी आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको सुटेबल बिजनेस बताता है, सुटेबल वर्क लाइन एरिया बताता है, सुटेबल हायर स्टडी बताता है, सुटेबल पार्टनरशिप बिजनेस बता सकता है। न्यूमरोलॉजी आपको आपके जीवन में बहुत हद तक सही फैसले लेने में सहायता करता है। जब एक बार आप अपना सही फैसला ले लेते हो कि आपको क्या बिजनेस करना है जो आपके लिए सूट करता है, या और भी कोई ऐसी लाइन जो आपको चूज करनी है और आपको सूट करता है, तो आप क्या करते हो, आप उसमें अपना 100% देते हो, और जहां आप अपना 100% दोगे वहां आपको सक्सेसफुल होना ही है। इस तरीके से न्यूमरोलॉजी आपके विषय में बहुत कुछ बताता है। जैसे अगर आप मान लीजिए कोई पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, तो न्यूमरोलॉजी के थ्रू आपको पता चल जाता है कि आपके लिए कौन से नंबर्स कॉम्पेटेबल है, आपको किन नंबर्स वाले पर्सन के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए और किन के साथ नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आपकी शादी होने वाली है, तो न्यूमरोलॉजी आपको ये भी बताता है कि
कि आपको किस आपका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर के हिसाब से आपका लाइफ पार्टनर कौन से ड्राइवर और कंडक्टर नंबर का होना चाहिए जिससे आपकी मैरिड लाइफ हैप्पी रहे। इस तरीके से न्यूमरोलॉजी आपको आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में बहुत सहायता कर सकता है। न्यूमरोलॉजी में जो सबसे फर्स्ट थिंग मायने रखती है वो रखती है डेट ऑफ बर्थ। किसी भी इंसान के डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे ही हमें पता चलता है कि उसका ड्राइवर नंबर क्या है और उसका कंडक्टर नंबर क्या है। ड्राइवर नंबर को हम लाइफ पथ नंबर भी कहते हैं और कंडक्टर नंबर को हम डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर के थ्रू ही हमें पता चलता है कि वो इंसान किस प्लेनेट से रूल करता है, उसके क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है, उसे जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसे किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, या उसके नंबर अगर वीक है तो हमें कैसे उस नंबर को फुलफिल करना चाहिए या उसको स्ट्रांग करना चाहिए। ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालने का तरीका क्या होता है? ड्राइवर नंबर जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है ना, सिर्फ सिंगल डेट ऑफ बर्थ, उसको हम ड्राइवर नंबर कहते हैं। उस डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट पे जब हम कन्वर्ट कर देते हैं तो वो सिंगल डिजिट हमारा ड्राइवर नंबर कहलाता है, डेट ऑफ बर्थ का सिंगल डिजिट। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो नंबर्स की कैलकुलेशन होती है न्यूमरोलॉजी में, ये 1 to 9 है, तो हमें जो भी नंबर्स हैं वो 1 to 9 यानी कि जो 9 हमारे ग्रह है वहीं तक हमारे नंबर्स भी हैं, और हर एक नंबर हर एक ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर, 10 नवंबर को अगर हम सिंगल डिजिट पर कन्वर्ट करें तो आएगा 1 + 0 = 1, यानी कि उस इंसान का ड्राइवर नंबर है 1 और वो प्लैनेट सूर्य से रूल करता है। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर है, 2 + 3 = 5, 2 + 3 को जब हमने सिंगल डिजिट 5 में, डेट ऑफ बर्थ को जब हमने सिंगल डिजिट 5 में कन्वर्ट किया तो उस इंसान का ड्राइवर नंबर बना 5 और वो बुध यानी कि मरकरी से रूल करता है। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 24 मार्च, 24 मार्च अगर उसका डेट ऑफ बर्थ है तो उसका सिंगल डिजिट क्या हुआ, डेट ऑफ बर्थ का सिंगल डिजिट क्या हुआ, 2 + 4 = 6, यानी कि उस इंसान का ड्राइवर नंबर हुआ 6 और वो वीनस यानी कि शुक्र ग्रह से रूल करता है। इस तरीके से हर एक नंबर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है और हमें हमारे ड्राइवर नंबर से पता चलता है कि हम किस प्लैनेट को रूल करते हैं। और जब हमें ये पता चल जाता है कि हम इस प्लैनेट को रूल करते हैं तो उस प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स हम उस इंसान के अंदर देख सकते हैं। कोई अगर सूर्य से रूल कर रहा है, नंबर 1 से रूल कर रहा है, तो नंबर 1 के एट्रीब्यूट्स उसके अंदर देखने को मिलेंगे। कोई नंबर 4 यानी कि राहु से रूल कर रहा है तो राहु प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स उसके अंदर देखने मिलेंगे। तो न्यूमरोलॉजी के थ्रू हमें हमारी पर्सनैलिटी, उस इंसान की ओवरऑल पर्सनैलिटी, उसका ओवरऑल क्या मतलब व्यू है, क्या उसके जीवन का उद्देश्य है, वो कैसा इंसान है। डेट ऑफ बर्थ के बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है वो आता है नेम नंबर। जो हमारा नाम होता है ना उसका भी एक पर्टिकुलर नंबर होता है। किसी भी इंसान का नाम है तो उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो एक नंबर उसको दिया जाता है कि वो इस नंबर पे आ रहा है। अब डिपेंड करता है कि आपका नाम नंबर अच्छा आ रहा है या ख़राब आ रहा है, दोनों चीज़ होती है लाइफ में, अच्छा और ख़राब। तो जैसे हमारा ड्राइवर और कंडक्टर है तो हम मैच करते हैं कि जो नाम नंबर है आपके ड्राइवर और कंडक्टर से कॉम्पेटेबल है कि नहीं है, यानी कि आपके अगर लाइफ में कोई सक्सेस रुक गई है तो आपका ड्राइवर और कंडक्टर सही है, बट फिर हम देखते हैं कि कहाँ पे दिक्कत है, हो सकता है आपके नाम नंबर में प्रॉब्लम हो, तो ये नाम नंबर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इस तरीके से न्यूमरोलॉजी का सेकेंड स्टेप हो गया नेम नंबर, इस तरीके से फ़ोन नंबर हो गया या व्हीकल नंबर या घर नंबर, छोटे छोटे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आगे चल के मैं आपको बताते जाऊँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो था न्यूमरोलॉजी के ऊपर कि कैसे हम न्यूमरोलॉजी में नंबर्स के थ्रू अपने लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ ये सब लेके आ सकते हैं। हम कहीं रुके हुए हैं तो क्यों रुके हुए हैं, हमें इसका आंसर मिल जाता है। हमें क्या करना चाहिए, हम कहीं सक्सेसफुल नहीं हैं तो क्यों सक्सेसफुल नहीं हैं, हमें इसका आंसर मिल जाता है कि हम सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, किन नंबर्स की हमें रेमेडी करनी है अपने लाइफ में जिससे जो हम चाहते हैं वो हमें मिले। न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं है, बस न्यूमरोलॉजी आपको आपके खुद के स्ट्रेंथ से मिलाने का, आपके खुद के स्ट्रेंथ को पहचानने का एक छोटा सा जरिया है जिसके थ्रू आप जानते हैं कि आपके अंदर कितनी ताकत है, आपके अंदर में क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, आपके अंदर में क्या क्या गुण हैं, लेकिन आप उनका यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको उनकी जानकारी ही नहीं है। न्यूमरोलॉजी आपको वो जानकारी देता है, आपको आपको खुद से मिलाता है, आपके ड्रॉबैक को बताता है कि आपके ड्रॉबैक्स क्या हैं, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, अपने लाइफ से उनको हटा सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में छोटी छोटी रेमेडी होती है, जैसे जैसे न्यूमरोलॉजी की सीरीज आगे बढ़ती जाएगी मैं आपको इसके जो 1 to 9 नंबर्स हैं इनके एट्रीब्यूट्स बताती जाऊंगी, और इन 1 to 9 नंबर्स को आप अपने डेट ऑफ बर्थ से मैच कर सकते हो कि आपके डेट ऑफ बर्थ में आपका ड्राइवर कंडक्टर क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने एट्रीब्यूट्स देखिए। जो नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है आप उनको चेकअप साथ साथ अपना करते जाइएगा, और उनकी जो मैं आपको रेमेडी बताऊंगी उसको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले, अपना कमेंट देना भी ना भूले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।